निरजायता श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि गान यही, हरि नाम यही, हरि गान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम महादेवो शांतिरंदर जगुं शांति हे पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदया शांति हे वनस्पतया शांतिर्स्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति हे सर्वगुं शांति हे शांतिरेव शांति हे सामा शांतिरेधि। आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं मंत्रपुष्पाञ्जलिं। हरि ओम जजने जुग्रवैजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवेटरसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव
भगवान की, हनुमान जी महाराज की, संत वैष्णव भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास भगवान की, जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधावल्लभ लाल की जय। श्री हिति हरिवंश महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे। पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद 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 बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु सुखकारी पाप कटेंगे क्षण में भाई नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे क्षण में भाई नाम का पी ले अमृत घो नाम का पी ले अमृत घो नाम की महिमा है अनमोल नाम की महिमा है अनमोल बोल हरि बोल
हरि 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 बोल हे सब माधव गोविंद बोल बोले हरि बोले हरि 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 बोल हे सब माधव राधे राधे Krishna, Krishna, Hare Hare.
श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय। समस्त संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्योर नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान संत वृंद भक्त वृंद तथा श्रद्धामयी माताएं, महाराज मनु की तीन पुत्रियों की चर्चा कल हम लोगों ने श्रवण की। अब पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो पहले उत्तानपाद की कथा सुनाई। आज नंद महोत्सव हम लोगों को मनाना है दसम स्कंध में, और यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं चतुर्थ स्कंध से। आप सब विज्ञ श्रोता हैं, सूत्रात्मक शैली को सावधान होकर के ही श्रवण करें। महाराज उत्तानपाद की दो रानी सुनीति और सुरुचि, पर सुरुचि ही प्रेयसी, छोटी रानी सुरुचि महाराज उत्तानपाद की अत्यंत स्नेह भाजिका हैं, न इतरा। बड़ी रानी जो दूसरी हैं उनके प्रति उनका उतना झुकाव नहीं, परित्यक्ता प्राय हो चुकी हैं। जबकि सुनीति के बेटा हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। विचार पूर्वक हम देखें तो हम भी सब उत्तानपाद हैं, और हम लोगों का भी सबका झुकाव सुरुचि के प्रति ही है। बुद्धिमानी और मनमानी हम सबकी ये दो रानी, बुद्धिमानी है सुनीति और मनमानी है सुरुचि। यह दोनों के नामों में सु लगा है, पर सु हटा करके देखा जाए तो एक है नीति दूसरी है रुचि। तो नीति की बातें हम खूब करते हैं, चाहे वो राजनीति हो चाहे धर्म नीति हो। व्यवहार में चर्चा सब नीति की करेंगे, बातें नीति की, पर जीवन में सब रुचि के अनुसार चलेंगे। सबको रुचि बड़ी प्यारी लगती है, हमारी रुचि से सब काम होना चाहिए, अपनी रुचि के अनुसार ही चलते। जिसको भोजन में जो रुचि लगती है वो खाएगा, चाहे वो निषिद्ध हो चाहे वो विधि में आता हो। प्रायः हम रुचि को महत्व देते हैं, अपने जीवन में रुचि को महत्व देते हैं, नीति को नहीं। बात नीति की बहुत करते हैं, परंतु व्यवहार में रुचि को महत्व देते हैं। उत्तानपाद की प्रमुख रानी तो सुनीति है, पर सुनीति को प्रमुखता न दे करके वो सुरुचि को महत्व देता है। हम भी वही कर रहे हैं। किसी ने यदि हमको 1 करोड़ रुपए दिए रिश्वत के, बोले ये कमीशन तुम्हारा है, बढ़िया रिपोर्ट बनाओ अब हमारी, तो सुनीति सुरुचि में झगड़ा हो गया। सुनीति कहेगी ये नीति के अनुसार गलत है, शास्त्र इसको धर्म नीति के अनुसार गलत है, राजनीति की दृष्टि से गलत है। एक राजा को जनता चुन के भेजती है एक विश्वास के साथ कि हमारे राष्ट्र का अभ्युदय इनके द्वारा होगा, हम लोग इनके छत्र छाया में जरा सुखी और निश्चिंत रहेंगे, राष्ट्रनायक बनाए जनता ने विश्वास और भरोसा करके, और तुम 2 नंबर के काम कर रहे हो बेईमानी की रिश्वत लेकर के। तो नीति तो विरोध करेगी कि ये गलत है, भ्रष्टाचार है, ये बेईमानी है, गद्दारी है। परंतु सुरुचि कहेगी भाई बंगला भी तो बनाना है, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ भी खरीदनी हैं, और जो चुनाव में इतना खर्चा किया वो भी सब निकालना ही है,
और फिर परमानेंट की कुर्सी है नहीं, पाँच दिन पाँच साल के बाद फिर दोबारा मौका न मिला, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये लूट सके तो लूट, फिर पछताए हो तो क्या, जब कुर्सी जाएगी छूट। बोलो राधे राधे। तो कहने का मतलब यह है कि नीति और रुचि का झगड़ा है उत्तानपाद के बीच, और उसमें प्रायः सुरुचि हावी रहती है उत्तानपाद पर, माने हम लोगों के ऊपर हमारी रुचि का पूरा प्रभाव रहता है और नीति को हम शिथिल कर देते हैं, निकाल देते हैं। किंतु सुनीति के ही पुत्र ध्रुव को सत्ता भी मिली और लोक परलोक दोनों उसका बना। सुरुचि के हाथ कुछ नहीं लगा, तो शिक्षा क्या मिली इस कथा से कि रुचि हमारी कितनी भी हम पर हावी हो रही हो, पर रुचि पर नियंत्रित नियंत्रण करके हमें नीति का ही अनुगमन करना चाहिए, नीति के अनुसार ही चलना चाहिए। नीति के अनुसार चलेंगे तो ध्रुव की प्राप्ति होगी। ध्रुव माने अटल। ध्रुव जी आज भी आकाश में ध्रुव तारा बने चमक रहे हैं, सितारा बुलंद है, तो बुलंद सितारा उन्हीं का होता है समाज में जो वास्तव में नीति के अनुसार चल के एक अपनी प्रतिष्ठा करके जाते। कीर्तिर यस्य सजीवती। समाज में जब तक व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है, नाम होता है, तब तक वह जीवित है समाज के बीच में। श्री तुलसीदास बाबा को आज सैकड़ों वर्ष हो गए, 400 से ज्यादा हैं। आपसे पूछा जाए आपके दादाजी का परदादाजी का नाम क्या है, तो बहुत कम ही लोग शायद कोई बता पाए। पिता और पितामह तक लोगों को याद रहता है, परदादा का भी नाम शायद मालूम ना हो, प्राय लोगों को नहीं होगा। किंतु तुलसीदास बाबा को तो कितने साल बीत गए, हम लोगों की कितनी पीढ़ियां बीत गई होंगी, और उसके बाद भी आज समाज में जीवित हैं। शास्त्र की आज्ञा में चलकर, शास्त्र की मर्यादा का पालन करके, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के गुण गा करके बाबा अमर हो गए और समाज के ध्रुव तारा बन गए। तो इस प्रकार से श्री स्वामी हरिदास महाप्रभु, श्री स्वामी हित हरिवंश महाप्रभु, ये वो महापुरुष हैं जो समाज के सितारे हैं, जो सैकड़ों वर्षों तक आज भी चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। परंतु ध्रुव तारे की तरह चमकने वाले पुत्र हैं किसके? सुनीति के। मतलब क्या हुआ? शास्त्र सम्मत जीवन जो जिएंगे, शास्त्र के अनुसार जो आचरण करेंगे, वो समाज के सितारे बन जाते हैं, माने अमर हो जाते हैं। और सुरुचि के अनुसार चलते हैं तो सुरुचि को कोई रुचि पूरी हो ही नहीं पाई। अपने बेटे को सिंहासन पर बैठानी चाहती थी, सुना बेटा सिंहासन पर बैठा, सुरुचि के संस्कारों से उद्दंड हो गया, यक्षों से लड़ मरा, सो यक्षों के हाथों मारा गया। उसी को खोजते खोजते सुरुचि भी जंगल की आग में जल करके भस्म हो गई। ये सुरुचि का परिणाम है। तो रुचियां जीवन में किसी की पूरी नहीं होती, एक से एक नई नई रुचि, ये और मिल जाए, वो और मिल जाए, ये रुचि का कोई अंत नहीं। इस पर तो नियंत्रण करना पड़ेगा और सुनीति के अनुसार चल करके ही हम अपने वास्तविक जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह कथा का संकेत। कथा से आप सब परिचित हैं, ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में पिता की गोद में बैठना चाहते थे, पर सौतेली माँ के द्वारा अपमानित होकर के भगा दिए गए। सुनीति माँ के पास आके रोए तो माँ ने भी समझाए, बेटा इन पिता ने तुम्हें गोद से उतार दिया, पर जगत पिता की गोद में बैठोगे तो जीवन में कभी उतरना नहीं पड़ेगा, वो सारे संसार के पिता। बात जम गई
अब जगत पिता से मिलने चले तो नारद जी मिल गए। नारद जी ने मंत्र दीक्षा दी, पहले परीक्षा ली फिर दीक्षा दी। पहले महात्मा लोग शिक्षा देते हैं, फिर परीक्षा लेते हैं, तब दीक्षा देते हैं। नारद जी ने उसी शैली से ध्रुव जी को मंत्र द्वादशाक्षर दिया। मथुरा में जमुना में नहा के मधुबन में बैठ के केवल 5 माह के तप में ही ध्रुव जी महाराज ने परम पिता परमात्मा को प्रसन्न कर लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान प्रकट होके दर्शन दिए। ध्रुव जी ने दंडवत किया और मन में विचार किया, पढ़ा लिखा कुछ हूं नहीं, स्तुति कैसे करूं। भगवान ने अपने दिव्य शंख का स्पर्श करा दिया। स्पर्श बालम कृपया कपोले, स्पर्श होते ही सारा वेद वेदांत उपस्थित हो गया, गाने लगे। योंता प्रवेश्य मम वाच विमां प्रसुप्ता, योंता प्रवेश्य मम वाच विमां प्रसुप्ता, संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, संजीवयत्यखिल शक्तिधर वारे की जय। प्रभु आप ही मेरे भीतर प्रविष्ट हो करके मेरी प्रसुप्त वाणी को जगा दिए हो। अखिल शक्ति धर हैं, जितनी भी इंद्रियों में शक्ति हैं उन सबके धारक आप ही हैं। आंखों में जब तक भगवान की शक्ति है तभी आंख देख सकती है, और भगवान अपनी शक्ति खींच लें तो आंख तो दिखेंगी पर दिखना बंद, कान तो दिखेंगे पर सुनना बंद, नाक तो दिखाई पड़ेगी पर सूंघना खत्म, हाथ तो दिखेंगे परंतु लेना देना बंद, पैर तो दिखेंगे पर चलना फिरना बंद। अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्व का आदीन, माने समस्त इंद्रियों में जो भी शक्ति है उनके धारक भगवान हैं। भगवान अपनी शक्ति खींच लें तो हम कुछ भी एक तिनका भी उठा के इधर से उधर नहीं रख सकते। ऐसे है सर्वशक्तिमान प्रभु, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। भगवान बोले, बोलो बेटा क्या चाहते हो? बोले, पहले तो बहुत चाहता था, अब कुछ नहीं चाहता। भगवान बोले, पर अब हम चाहते हैं कि तुम घर जाओ और पिता के सिंहासन पर बैठ के 36,000 वर्ष राज्य करो, और उसके बाद मेरे दिव्य ध्रुव लोक को विभूषित करो। कह के भगवान चले गए। ध्रुव जी पछताते हुए घर आए। पिता को पता चला तो पूरी प्रजा के साथ जोरदार पुत्र का स्वागत किया, और आते ही पुत्र को सिंहासन पर विराजमान कर दिया। ध्रुव जी 36,000 वर्ष राज्य किए और मौत के सिर पर पैर रख करके अंत में अपनी मां सुनीति को साथ लेकर के परम पद के अधिकारी बन गए। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाऊ, ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाऊ, बाबा अचल अनुपम ठाऊ, बाबा अचल